कि आप कोविड-19 के बाद होने वाले घातक म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर डी के राय आपको बताऊंगा कि म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये म्यूकर माइकोसिस ये फंगस या फफूंदी से होने वाला रोग है जो घरों में रोटियां खराब होने पर या सड़े गले फलों पर भी उगाता है। यह कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि यह बीमारी तो पहले से भी थी, लेकिन यह उन्हीं लोगों में होता है जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। यह HIV एड्स के मरीजों में, कोविड-19 के मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई होती है उनमें अधिक देखने को मिलता है, डायबिटीज के पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जिनको इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ चल रही हों, कैंसर के पेशेंट्स, इनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का रिस्क अधिक होता है। कोविड-19 के पेशेंट्स का इम्यूनिटी लेवल पहले ही कम हो चुका होता है इन्फेक्शन के कारण, और फिर जब हम उसके इलाज में स्टीरॉयड यूज करते हैं तो पुनः इम्यूनिटी और कम हो जाती है। जब टोक्लिजुमैब यूज करते हैं यह भी इम्यूनिटी को कम करता है, और इससे व्यक्ति इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अधिक प्रोन हो जाता है। और ऐसे में जो ओल्ड एज पेशेंट्स अधिक इसके लिए प्रोन है, तो ओल्ड एज पेशेंट्स को इसका रिस्क अधिक होता है। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षणों में सबसे प्रमुख लक्षण है कि चेहरे का सूजन होना, नाक के पास काले धब्बे बन जाते हैं, सूजन आ जाती है, आंखों के पास सूजन आ जाती है, आंख में लालिमा आ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और कभी कभी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। जब यह दिमाग में पहुंचता है तो यह मेनिंजाइटिस कॉज करता है और मरीज की डेथ तक हो सकती है। जब यह लंग में पहुंचता है तो खांसी, बुखार, जुकाम हो जाता है, सांस फूलने लगता है, ब्लैक स्पुटम आता है, और जब GIT में पहुंचता है तो ये वोमिटिंग, नौजिया, लूज मोशन और पेन एब्डोमेन तक की समस्या आ जाती है। उसी तरह से स्किन में रैसेज भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है। 50-55% मॉर्टेलिटी रेट होने के कारण ये अधिक घातक समस्या है, और इससे हमें बचना होगा। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बचने के लिए हमें एक तो अपने आप को जो कोविड-19 मरीज घरों में बंद रखें जब तक कि उनकी इम्यूनिटी लेवल इम्प्रूव ना हो जाए, बाहर ना निकलें, धूल वाली जगहों पर ना जाएं, घर में साफ सफाई रखें, यदि ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं तो उसे स्टेराइल ह्यूमिडिफायर यूज करें या उसको रेगुलरली क्लीन करें, उसके बाद भी गीले कपड़े ना पहने, घर की साफ सफाई रखें। लोगों में इसका एजुकेट करना होगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपना शुगर कंट्रोल करें। लोगों को स्टीरॉयड बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेना होगा, क्योंकि कोविड-19 के इनिशियल सिम्टम्स में स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा नहीं होता है। लेकिन यदि हम अननेसेसरी स्टीरॉयड हम ले लेते हैं बिना जरूरत के, तो इसका नुकसान यह होगा कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाएंगे। तो इसलिए ये सावधानियां बरतनी होंगी। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसके लिए CT या MRI किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर टिश्यू बायोप्सी भी करते हैं। उसके बाद इलाज में एंटीफंगल ड्रग या एम्फोटेरिसिन B देते हैं, और आवश्यकता होने पर डेड टिश्यू का डिब्राइडमेंट यानी सर्जरी के द्वारा डेड टिश्यू को रिमूव भी करते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।